तो ये निषाद और जातियां जो है रोड पर पाइपलाइन में, इन्हें कहां गिना जाएगा? कहेंगे कि बिहार में हमारे साथ अन्याय हुआ है, जातियों की स्थिति स्पष्ट हो कि उनकी दशा कहां है, कितना संख्या है, लेकिन विसंगति दूर किया जाए तब। अरे निषाद राज अलग था, अयोध्या का राज अलग था, सुख था। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, सर जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर डाटा पब्लिक हुआ उसके बाद सियासत तेज हो गई, अभी आपने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पे कुछ कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश किया है, क्या कोई नाराजगी है आपकी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मैंने अपनी बात रखा कि संविधान से देश चलता, संविधान से भविष्य बनता, संविधान से सुरक्षा मिलती है, तो संवैधानिक रूप से पिछड़ा अनुसूचित अनुसूचित जनजाति गिनती आते हैं, तो ये निषाद और जातियां जो है रोड पर पाइपलाइन में, इन्हें कहां गिना जाएगा? इनकी विसंगति दूर होगी। 1961 में हम अनुसूचित में गिने गए, अब हम पिछड़ी में क्यों गिने जाएंगे भाई? अगर एक बार हम अनुसूचित में गिने गए तो हमें पिछड़े में कैसे गिनेंगे? कौन सा ऐसा आयोग रिपोर्ट लग दिया? मतलब संविधान के मुताबिक हम अनुसूचित हैं, अरे बेईमान के मुताबिक हम पिछड़े रहेंगे? बेईमान लोग बिना संविधान में संशोधन के, बिना पार्लियामेंट के डिबेट के मेरे उपजातियों को पिछड़े में क्यों डाल दिया? जब राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित लिख रखा केवट मल्लाह को मझवार, तो राष्ट्रपति से बड़े हो गए क्या ये लोग? तो मैं चाहता हूँ विसंगति दूर हो फिर जनगणना हो। जिस तरीके से आपने ये बात की, क्या शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे जातीय जनगणना को लेकर? कहेंगे कि बिहार में हमारे साथ अन्याय हुआ है, कि जो एग्रीकल्चर मैन थे उन्होंने अपनी जातियों को कह दिया कि भाई कुर्मी पटेल और जो है चौधरी वर्मा मल को एक जगह गिनवा दिया, वहाँ जो है मिल्कमैन के नेता हैं उन्होंने यादव अहिर और ग्वाल और सब जो चरवाहे तमाम उपजातियाँ तीन चार उनको एक जगह गिनवा दिया, और हमारे फिशरमैन को अंग्रेजों जैसे टुकड़े टुकड़े में बांटो, हमारे फिशरमैन को दशमलव दशमलव में गिनवा दिया। तो क्या आप यूपी में चाहते हैं, यूपी में चाहते हैं जातीय जनगणना हो? मैं चाहता हूँ जातीय जनगणना हो, जातियों की स्थिति स्पष्ट हो कि उनकी दशा कहाँ है, कितना संख्या है, लेकिन विसंगति दूर किया जाए तब। ऐसा नहीं कि जो SC में गिना है उसे OBC में गिन दो, SC वाले को OBC में गिन के उसका हिस्सा खाने के लिए तो जनगणना कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 80 में संवैधानिक सुरक्षा है, उनको 80 में गिनती होनी। आखिरी सवाल लेते हैं, संजीव बलियान है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज बनने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं संगीत सोम है वो कह रहे मिनी पाकिस्तान बनेगा, आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा मिले, क्या आप उसको समर्थन करते हैं? चाहता हूँ कि अलग राज्य मिले हमारा पूर्वांचल। अरे निषाद राज अलग था, अयोध्या का राज अलग था, सुख था। आज के दिन में अंग्रेजों ने ये जो अवध प्रांत है और आगरा प्रांत था दोनों को एक जगह कर दिया, तो यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजों ने एक किया था ना, और कैसे किया था? आज के दिन में अलग होने से समस्याओं का समाधान आसानी से होगा, इसलिए बालियान के वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूँ। तो ये थे संजय निषाद जी जो कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, संजीव बलियान की बात का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, और जिस तरीके से जातीय जनगणना बिहार में हुई है उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।